हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस कैसे हैं आप सभी? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AKTU एडमिशन के बारे में, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर PG कोर्स के बारे में बात करेंगे, MBA के बारे में। यानी अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं AKTU के किसी भी कॉलेज में, तो क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप किसी भी AKTU के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर मैं बात करूं आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CUET PG का एग्जाम देना होगा। एक दो अगर हम बात करें तो लास्ट 1 to 2 ईयर से जो पहले UPSET होता था एंड UPSEE होता था, वो अब बंद हो गया है। अब जो एडमिशन होने वाला है वो वेरियस कोर्सेज में अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम यहाँ पर AKTU की ही बात कर रहे हैं, तो वो भी अब यहाँ पर CUET PG का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले CUET PG के लिए रजिस्टर करना होगा, उसका एग्जाम देना होगा, देन काउंसलिंग से आपका इसमें AKTU के कॉलेजेस में एडमिशन MBA में हो पाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्या पूरा इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले हम CUET की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। तो CUET की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आप इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के नाम से एक टैब दिया गया है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसमें चीजें दी गई है। तो गाइस, अभी हम CUET PG की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका इसी से जो है वो पूरा एडमिशन कंप्लीट होने वाला है। तो अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो वो स्टार्ट हो चुके हैं, 20th मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है उसकी 19th अप्रैल है। आप फॉर्म को अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो फॉर्म आप इसकी फिल कर लीजिएगा। अगर हम वही फीस की बात करें तो जनरल के लिए जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है, अगर आप 3 टेस्ट पेपर तक सेलेक्ट करते हैं तो। अगर आप 3 से ज़्यादा करेंगे तो उसके बाद आपके 500 जो है वो आगे वो ऐड होते रहेंगे सभी सब्जेक्ट में। क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, एन एप्लीकेंट कैन फर्दर अप्लाई अप टू 7 टेस्ट पेपर्स। यानी एक कैंडिडेट जो है वो 7 पेपर्स तक दे सकता है, 7 अलग अलग कोर्स के पेपर वो दे सकता है। बट अगर आप 3 तक आपने सेलेक्ट कर लिए है तो वहां पर आपको जो है सिर्फ 1000 रुपीज पे करनी है, जनरल के लिए OBC 800 एंड ऐसे ही SC ST के लिए यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। सो गाइस, अगर कुछ हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए करेक्शन के लिए डेट दी गई है। यानी अगर आप 20th अप्रैल से लेकर 23 तक आप जो है फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, करेक्शन उसमें कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 19th अप्रैल। 19th अप्रैल तक आप एग्जाम के लिए जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अभी डेट ऑफ एग्जाम नहीं बताया गया है। जो गाइस पैटर्न रहने वाला है वो उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि CUET का जो एग्जाम है PG का, उसमें ड्यूरेशन जो है एग्जामिनेशन की वो 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे का आपका जो है एग्जाम होगा। एक दिन में आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, यानी आपका किसी भी शिफ्ट में पढ़ सकता है, Shift 1 या Shift 2। वही अगर हम बात करें Shift 1 में तो वो 10 AM से 12 PM तक होता है, Shift 2 जो है वो 3 PM से लेके 5 PM तक आपका एग्जाम होगा, 2-2 घंटे का। इसके बाद अगर हम डेट सेंटर ये सभी जो है आपके जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी चीजें लिखी गई होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सो गाइस, यहाँ से हमने देखा कि कैसे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस जो थी वो हमारी डेट्स थी। अब चलते हैं कि आपको MBA पर्टिकुलर एडमिशन के लिए, अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका कौन सा पेपर का कोड आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा पेपर आपको उसमें देने वाले होंगे आप, और वहां पर क्या पैटर्न रहे। सो गाइस, यहां पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर लिस्ट पर, जिसमें कि सभी CUET का जो पेपर होने वाले हैं उसके कोड्स के साथ वो सब्जेक्ट दे गए हैं। तो अगर हम बात करें MBA की, तो MBA आप देख सकते हैं यहाँ पर 12th जो हमारा सीरियल नंबर दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि COQP12, ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर कोड होने वाला है। अगर आप जनरल MBA कर रहे हैं या मार्केटिंग करना चाहते हैं, या मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको एग्ज़ाम देना होगा वो एक ही एग्ज़ाम देना होगा, COQP12। यानी ये अगर आप सिर्फ MBA की बात कर रहा हूँ मैं, तो MBA में ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो MBA का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, AKTU में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उसके लिए आपको COQP12 ये वाला जो टेस्ट पेपर है इसको भी जरूर देना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसका ये टेस्ट पेपर कोड इसमें दिया गया है कि आपका जो टेस्ट पेपर कोड होने वाला है वो है CUQP12।
2, इसमें आपके एमबीए के बारे में, यानी अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वाला पेपर जो है आपको, टेस्ट पेपर आपको देना होगा, ये आपको पेपर भी सेलेक्ट करना है। साथ में आप और भी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज अगर आप एमसीए में भी जाना चाहते हैं तो एमसीए के लिए अलग कोड है, उसके लिए वो आप अलग से दोबारा से उसको आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 3 क्वेश्चन पेपर तक फिल कर सकते हैं, तो उसमें आपकी जो फीस है वो 1000 ही रहेगी जनरल के लिए, बट अगर आप 3 से ज्यादा लेते रहेंगे तो आप अगर जनरल में है तो 500 जो है वो हर पेपर के और ऐड होते रहेंगे। बट अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ एमबीए के लिए, तो सिर्फ एमबीए के लिए आपको अगर एग्जाम देना है तो आपको ये वाला कोड का एग्जाम देना होगा, CUQP 1-2 की। चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या पैटर्न रहने वाला है। अगर गाइज हम एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात करें एमबीए के, तो आप देखेंगे कि जो CUET का पीजी का एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 2 घंटे आपको उसमें मिलेंगे टेस्ट पेपर को कंप्लीट करने के लिए। उसमें टोटल जो है 100 उसमें क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम वहीं लैंग्वेज की बात करें तो बायलैंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, बाकी अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो वो फिर उसी सब्जेक्ट या उसी लैंग्वेज में आएगा। चलिए बात करते हैं हम एमबीए के जो पेपर कोड है उसमें क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहने वाला है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बहुत सारे पेपर कोड दिए गए हैं एंड साथ ही में उनके क्वेश्चन पैटर्न भी दिए गए हैं। हम बात करते हैं एमबीए की, तो एमबीए का जो पैटर्न है वो पैटर्न नंबर 3 रहने वाला है। तो 3 में आप ए पार्ट पे देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एमबीए का पेपर कोड होने वाला है वो है CUQP 1-2 यानी 12। तो इसमें आप देखेंगे तो टोटल आपके 100 एमसीक्यू के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जिसमें कि जो सेक्शंस है वो अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर आप देखेंगे जो 100 क्वेश्चन है इसमें आपका जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, सब्जेक्ट्स आपका हिंदी या इंग्लिश, इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, वहां से क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। इसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथमेटिकल, तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें के चार्ट बार ग्राफ इन सब से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे, एंड वहीं पर जो लास्ट हमारा वो है लॉजिकल रीजनिंग। सो गाइस ये जो पूरा पैटर्न रहने वाला है ये आपका एग्जाम का होगा, जिसमें की जो रीजनिंग है वो बायलैंगुअल आएगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही। वहीं पर मैथमेटिक्स एंड DI के बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया है, बट ये आई थिंक सभी के लिए है। यानी जो आपका जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा, अगर मैं सेक्शन में डिवाइड करूँ उसको, तो आप कह सकते हैं कि इसमें टोटल जो है 4 आपके इसमें सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें कि आपका पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज होगा, जिसमें से हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आएंगे। एंड वहां पर नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपके आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन से आएंगे, एंड लास्ट लॉजिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग से आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे, बायलैंग्वेज आएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको वो क्वेश्चन जो है गिवन होंगे। सो गाइस ये पूरा पैटर्न रहने वाला है अगर हम CUET PG के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे ही वेरियस जो आप अगर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सभी जो कोड्स हैं, मैंने कोड्स आपको दिखाए थे पहले भी, तो यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं। कोड्स के साथ साथ उनका क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या पूरे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो कितने हैं एंड किस पार्ट में वो डिवाइड है, वो सभी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि डाउनलोड कैसे करना है, आप चाहें तो इसको मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको वहाँ पर भी डाल दूंगा। सो गाइस यहाँ से आज हमने जो बात करी हमने CUET PG के एडमिशन से रिलेटेड, यानी अगर आप AKTU MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो पूरा क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो सभी हमने इसमें बात करी। तो इसमें लिए आपको गाइस CUET PG का जो एग्ज़ाम है वो CUQP 12 वाला जो एग्ज़ाम है वो आपको देना होगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि MBA AKTU में एडमिशन लेना चाहता हूँ। थैंक यू।